हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। लेक्चर 5 में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का मतलब क्या होता है। उसके ऊपर हमने 4-5 सॉल्व एग्जांपल भी किए, लेकिन और थोड़ा टफर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये एक और एक्स्ट्रा लेक्चर बनाना पड़ा। इस लेक्चर में हम पूरी तरीके से केवल डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स, इफ जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2/3 इंटू सिग्नम एक्स माइनस 5/4 व्हेन वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, then find the suspicious points of continuity of the function in closed interval 0 से 2। तो suspicious point मतलब doubtful points, ठीक है। तो देखो बेटा, doubtful points कौन कौन से होते हैं। एक तो जहां पर definition change होती है, या ऐसे कह लो कि हर interval का जो end points होते हैं जहां पर function define है, वो हर point doubtful point होता है। तो doubtful points या suspicious points are suspicious points are, पहली बात, जो जितने भी इंटरवल्स में फंक्शन डिफाइन किया गया है, उस हर इंटरवल के जो एंड पॉइंट है वो सस्पिशियस पॉइंट होते हैं। तो 0, 1 एंड 2। दूसरी बात, दूसरा सस्पिशियस पॉइंट किसको बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स। साइन पाई एक्स जो है वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब अगर बॉक्स के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है तो हमें एक्स की वो वैल्यू चाहिए होती है जहां पर वो अंदर वाला फंक्शन, बॉक्स के अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बने। तो साइन पाई एक्स को इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, और 1 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में 1/2 हो सकती है। इसके बाद आप यहां पर 2/2 यानी 1 तो अपन ले लिया, 0 1/2, 3/2 ले सकते हो, 4/2 यानी कि 2 ले सकते हो। तो इन सभी पॉइंट्स पर, x की सभी वैल्यूज पर ये इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई टू 1, साइन पाई 0, साइन 3/2 माइनस 1, साइन 2/0, तो इन सब तो वो इंटीजर बन रहा है। तीसरा पॉइंट, तीसरे में यहां पर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2/3। तो एक्स माइनस 2/3 इंटीजर होना चाहिए, एंड ये सिग्नम एफ एक्स लिखा है, तो सिग्नम एक्स जो होता है, सिग्नम एक्स वो एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो सिग्नम एफ एक्स के लिए जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं वो होंगे जहां पर एफ एक्स 0 हो। तो एक्स माइनस 5/4 0 होना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू एक 5/4 होगी। यहां पर देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स इक्वल टू आप यहां पर 2/3 ले सकते हो, जिससे ये इंटीजर बन जाएगा। इसके बाद अगर आप देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इंटीजर बनेगा जिस पे, ये वो क्या आएगा, 5/3, क्योंकि 5/3 लेने पे क्या होगा, 5/3 माइनस 2/3, 3/3 मतलब 1। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 8/3, लेकिन 8/3 तो जो है ना 2 से ज्यादा हो गया, लेकिन हमें तो 0 से 2 तक ही जाना था, इसलिए ये पॉइंट्स हो गए। तो कुल मिला के जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, डाउटफुल पॉइंट्स क्या क्या बने, सबको एक साथ लिख देते हैं, 0, 1, 2 या सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 0 फिर 1/2, 1/2 के बाद में 2/3, 5/4, 5/3, 3/2, 1 भी बीच में आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, 1, 3/2 एंड 2। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं जो कि डाउटफुल पॉइंट्स होंगे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा कि सस्पिशियस पॉइंट्स ऑफ कंटेंट बताने थे, तो ऑल दीज 8 पॉइंट्स आर सस्पिशियस पॉइंट्स ऑफ डिसकंटेंट। लेकिन अगर आप इसमें ये देखना चाहो कि एग्जैक्टली कौन कौन से हैं, तो जब आप चेक करोगे तो ये जीरो जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक कर लेना। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये ऑलरेडी आपको पहले चार लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। और टू भी पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी है, यानी कि इस पर भी कंटिन्यूअस है। बाकी के सिक्स पॉइंट्स हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ये जो सिक्स पॉइंट्स हैं ये हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये छह के छह पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, लेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, ए साइन एक्स प्लस बी इफ माइनस फाइव बाई टू लेस देन एक्स लेस देन फाइव बाई टू एंड कोस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव बाई टू। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए एंड बी इफ एफ इज कंटिन्यूस, फाइंड ए एंड बी सो दैट F इज कंटिन्यूस। तो यहां पर एक बात समझने की, देखो x लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू के लिए माइनस टू साइन एक्स है, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू के लिए ये एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूस है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में भी ये हमेशा कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू के लिए भी हमेशा कंटिन्यूस है। तो हमें चेक कहां करना है, यानी कि इसको कंटिन्यूस बनाना कहां है, जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो डेफिनेशन चेंज हो रही है माइनस पाई बाई टू पर और पाई बाई टू पर। तो इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इट मींस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड एक्स इक्वल टू पाई बाई टू आल्सो। तो इन दोनों पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूस होगा अगर कंटिन्यूस है तो, या बनाना है तो अगर बनाना है तो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पहले एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, इस पर कंटिन्यूस बनाने के लिए एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस। देखो एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू के लिए आपको एक्स की जगह माइनस पाई बाई टू पहले डेफिनेशन में पुट करना है माइनस टू साइन एक्स में, और माइनस पाई बाई टू प्लस के लिए आपको ये डेफिनेशन यूज करनी है। तो एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या बन जाएगा बेटा, एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, और एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस के लिए आपको एक्स की जगह पाई बाई माइनस पाई बाई टू इसमें पुट करना है। तो ए इंटू साइन माइनस पाई बाई टू प्लस बी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो ये तो इधर जो है टू आ गया, टू इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू पाई बाई टू पर बात करूं, एट x इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि इस पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तो f ऑफ पाई बाई टू माइनस दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ पाई बाई टू और f ऑफ पाई बाई टू प्लस। f ऑफ पाई बाई टू और f ऑफ पाई बाई टू प्लस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहीं पर वैल्यू पुट करनी है हमें। तो f ऑफ पाई बाई टू माइनस क्या होगा बेटा, f ऑफ पाई बाई टू माइनस इसमें पुट करना है, तो a sin पाई बाई टू प्लस b और f ऑफ पाई बाई टू हो गया जीरो, a sin पाई बाई टू प्लस b और f ऑफ पाई बाई टू हो गया जीरो। तो sin पाई बाई टू वन है, तो a प्लस b इक्वल टू जीरो, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके, हमें फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके a और b की वैल्यू बतानी है। तो देखो आप यहां पर a की जगह माइनस b रख दो, तो 2b इक्वल टू टू, वन एंड टू इंप्लाइज b इक्वल टू वन, a इक्वल टू थ्री, माइनस b की वैल्यू बना जाएगी, b वन रखेंगे तो a की वैल्यू जो है माइनस वन, तो a इक्वल टू माइनस वन b इक्वल टू वन, समझ में आ गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी बनाना है हमें और इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, वहां पर दिया था एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस कोस एक्स का बॉक्स, है ना। चलो देखो समझते हैं इसको। सी लेट जी एक्स इक्वल टू लेट जी एक्स इज इक्वल टू जो बॉक्स के अंदर है इसको जी एक्स मान लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऐसा मान सकते हैं इसको। फिर मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि भाई ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स के फॉर्म में जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है आप उसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जब आप इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड करोगे तो रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर ये ऐसा बन जाएगा। तो सस्पिशियस पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, सस्पिशियस पॉइंट्स ऑफ जी एक्स, क्योंकि जी एक्स को हमें इंटीजर बनाना है ना भाई अल्टीमेटली। तो सस्पिशियस पॉइंट्स या डाउटफुल पॉइंट्स आर वेयर जी एक्स इक्वल टू जीरो और वन और माइनस वन, ये इसके सस्पिशियस पॉइंट्स होंगे। तो जब जी एक्स को जीरो रखेंगे, जी एक्स को जीरो रखा तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू जीरो, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है और टू पाई हो सकता है। लेकिन जब हम यहां से एक्स फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर एंड सेवन पाई बाई फोर। तो जो माइनस पाई बाई फोर है इसको हम छोड़ देंगे यहां पर क्योंकि वो जीरो से टू पाई में बिलोंग नहीं करता। तो दो तो हमारे पास सस्पिशियस पॉइंट्स जो आ गए हैं वो कौन कौन से आ गए, एक तो थ्री पाई बाई फोर, एक सेवन पाई बाई फोर। ये कब आया, जब हमने जी एक्स को जीरो रखा। इफ जी एक्स इज इक्वल टू वन, जब हमने जी एक्स को वन लिया तो जी एक्स को वन लेने का मतलब क्या हुआ भाई, रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। मतलब साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर की जो वैल्यू है वो वन अपॉन रूट टू होगी, वन अपॉन रूट टू। तो एक्स प्लस पाई बाई फोर क्या क्या होगा, एक्स प्लस पाई बाई फोर विल बी इक्वल टू पाई बाई फोर, एक पाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक है ना, पाई माइनस पाई बाई फोर और पाई प्लस पाई बाई फोर तो होगा नहीं, एक टू पाई माइनस पाई बाई फोर ले सकते हैं लेकिन वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना, पाई प्लस पाई बाई फोर, टू पाई प्लस पाई बाई फोर, साइन टू पाई प्लस पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू ही होता है, ठीक है, थ्री पाई प्लस पाई बाई फोर नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये थ्री पाई बाई फोर था, थ्री पाई बाई फोर, तो पाई माइनस पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू, और ये पाई बाई फोर कट जाएगा तो टू पाई। तो जीरो पाई बाई टू और टू पाई ये यहां से आ गया, तो ये सस्पिशियस पॉइंट्स हो गए। अगर आप यहां पर इफ जी एक्स इक्वल टू माइनस वन रखते हो, जी एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो इसका मतलब हो गया साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर की जो वैल्यू है वो माइनस वन बाई रूट टू है। इसका मतलब एक्स प्लस पाई बाई फोर की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, एक तो पाई प्लस पाई बाई फोर, एक टू पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी कि x की जो वैल्यू है वो पाई हो सकती है और 2 पाई माइनस पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू ये। तो कुल मिला के भाई हमारे पास दो
और तीन पांच और दो सात, ये सेवन सस्पिशियस पॉइंट्स आ गए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से वो पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो बच्चों अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हमें बनाना है किसका, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ रूट टू साइन एक्स प्लस फाइव बाई फोर। तो मैंने पहले क्या किया, रूट टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, रूट टू साइन एक्स। तो ये जो डॉटेड ब्लैक कलर का ग्राफ दिख रहा है आपको, ये रूट टू साइन एक्स का है, माइनस रूट टू से रूट टू के बीच में रहेगा, बाकी जीरो ये हर उस पॉइंट पर होगा जहां पर साइन एक्स जीरो होता है। फिर रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर का ग्राफ बनाया जो कि ब्लू कलर से बनाया, यानी कि एक्स माइनस पाई बाई फोर इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो ये जो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है ये रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर का है, जीरो से टू पाई के बीच में। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो अभी समझो इसको, देखो ये वन है यहां पर, तो वन मैंने बताया था कोई इंटीजर पॉइंट जब हम बॉक्स फंक्शन बनाते हैं तो y को y एक्सिस पे इंटीजर पॉइंट मार्क कर देते हैं, y इक्वल टू वन और y इक्वल टू माइनस वन, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, y इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू माइनस वन। अब एक बात समझना, देखो इसको आप चाहोगे जैसे थोड़े समय के लिए आप भूल जाओ, क्योंकि अपने को तो जीरो से और टू पाई के बीच में चाहिए, आप चाहो तो ये ब्लैक वाला भी मिटा सकते हो यहाँ से, है ना, अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझो, जैसे जब x की वैल्यू जीरो से पाई बाई फोर तक है, पाई बाई फोर नॉट इंक्लूडेड, x की वैल्यू जीरो से पाई बाई फोर तक है जिसमें पाई बाई फोर इंक्लूडेड नहीं है, तो उस केस में आप देखो कि इसकी वैल्यू वन से रूट टू तक है। अगर पाई बाई फोर हुआ तो भी वन रूट टू हो जाएगा एग्जैक्टली। तो हम ये देखते हैं यहां पर कि जीरो से लेके और पाई बाई टू तक इसकी वैल्यू वन से रूट टू तक रहती है, जीरो से लेके जब एक्स की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू तक है तो एफ एक्स की वैल्यू यानी कि रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर की वैल्यू वन से रूट टू रहती है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना हो जाएगा, वन, जीरो पे भी वन है पाई बाई टू वन है दोनों पॉइंट इंक्लूडेड, तो ये वाई इक्वल टू वन लाइन हमने ड्रॉ कर दी। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है x की वैल्यू पाई बाई टू ओपन और थ्री पाई बाई फोर क्लोज पे आते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो से वन के बीच में आ गई है ग्राफ की, ब्लू कलर के ग्राफ पे फोकस करना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर पाई बाई टू पे ब्लैंक और थ्री पाई बाई फोर पे डार्क करके और ये, तो इससे इतनी बात समझ में आ गई कि जो x इक्वल टू पाई बाई टू है वो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो जब हम x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में लेंगे, 3 पाई बाई 4 से पाई, ये वैल्यू क्या है, ये पाई है, मतलब ये थोड़ा सा ग्राफ डिस्टर्ब है यहां पर, बाकी ये पाई है ना। 3 पाई बाई 4 से पाई तक आप देखोगे ये वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में है, इसमें आप 3 पाई बाई 4 पे ब्लैंक और पाई पे क्लोज बना सकते हो, बनाना ही है, तो इसका ग्रेडिएशन क्या आ जाएगा, माइनस वन भाई। जो जब x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 से पाई है, 3 पाई बाई 4 से पाई, तो उस केस में जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो माइनस वन से जीरो के बीच में है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हुई वो माइनस वन हुई, तो y इक्वल टू माइनस वन लाइन ये बन गई, y इक्वल टू माइनस वन। इससे ये भी कंफर्म हो गया कि 3 पाई बाई 4 भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फिर हम आए पाई से, पाई से थ्री सेवन पाई बाई फोर के बीच में, नहीं थ्री पाई बाई टू के बीच में, पाई से ये थ्री पाई बाई टू है, तो जब पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में रहेंगे हम यहां पर, पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में, तो आप देखो इसकी वैल्यू माइनस रूट टू से माइनस वन रहेगी, इसको ब्लैक को निपटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। ब्लू कलर का ग्राफ है हमारा काम का, तो पाई बाय
पाई से थ्री पाई बाई टू तक, ये माइनस रूट टू से माइनस वन के बीच में, इसलिए इसका जो क्रिटेशन जीरो होगा वो माइनस टू होगा, माइनस टू, और ये दोनों जगह पे पाई पे इसमें ब्लैंक बनेगा, तो माइनस टू, ये जो लाइन है ये माइनस टू है, इससे ये कंफर्म हो गया कि पाई और थ्री पाई बाई टू दोनों ही पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। देखो ये माइनस रूट टू तक थी लाइन, तो माइनस टू कहीं और नीचे होगा यहां पर, उसके हिसाब से बनाया ये है ना। अब इसके बाद जब थ्री पाई बाई टू से सेवन पाई बाई फोर के बीच में आया, तो अगेन ये माइनस वन से जीरो के बीच में आ गया, तो y इक्वल टू माइनस वन वाली लाइन बनेगी, तो y इक्वल टू माइनस वन, थ्री पाई बाई टू ओपन और इस पर क्लोज। फिर जब जीरो से टू पाई पे रहेगा, जीरो से टू पाई, ये टू पाई पे ही जा रहा है ऊपर, मतलब यहां पर ब्लू कलर का ग्राफ, तो जीरो से टू पाई में आप इसकी वैल्यू देखो, सेवन पाई बाई फोर से टू पाई में, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, वन, तो नहीं जीरो, y इक्वल टू जीरो, और एग्जैक्टली जब टू पाई होगा तो भी तो क्या बनेगा, y इक्वल टू टू पाई प्लस वन, तो यहां पर ये डार्क आ जाएगा। तो कुल मिला के आप देखो कौन कौन से पॉइंट्स बने, पाई बाई टू बना, थ्री पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर नहीं है, ये पाई है, 3 पाई बाई 2 है, 7 पाई बाई 4 है और 2 पाई है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। तो मैं इनको अलग से एक बार मेंशन भी कर देता हूं, पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आर 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 पाई, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, लिख भी देता हूं तो है ना, फिर से देख लो एक बार, 0। तो बेटा इस बार जो है जितने भी सस्पिशियस पॉइंट्स आए थे ये सभी के सभी पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx इन क्लोज इंटरवल 0 टू 2 वेयर fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ cos पाई x व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1, मोड ऑफ 2x माइनस 3 इंटू बॉक्स ऑफ x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो पहली बात तो ये यहां पर समझो कि जब x लेस देन इक्वल टू 1 बोला लेकिन 0 से 2 के बीच में पूछा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में। तो सस्पिशियस पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, सस्पिशियस पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सस्पिशियस पॉइंट्स आर, तो इन 0 से 1 व्हेन, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो cos पाई x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो दैट शुड बी एन इंटीजर, cos पाई x बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इंप्लाई दैट x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 बाय 2 हो सकती है और 1 हो सकती है, तो तीन तो ये सस्पिशियस पॉइंट्स हो गए। फिर दूसरा जो है व्हेन 1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि सेकंड डेफिनेशन में x ग्रेटर देन 1 बोला है ना, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि -2 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन -1, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐसे कर लो, इसको x -2 का बॉक्स चाहिए ना, 2 सबट्रैक्ट कर दो, तो -1 लेस देन x -2 लेस देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 वैल्यू -1 आ गई और 0 भी आ जाएगी अगर x इक्वल टू 2 ले लेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करूं, रीडिफाइन, तो fx इक्वल टू बॉक्स ऑफ cos पाई x व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा मैं लिख सकता हूं, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 2 नॉट इंक्लूडेड, तो ये वैल्यू -1 हो गई, तो ये बन गया माइनस मोड ऑफ 2x माइनस 3, और जब x एग्जैक्टली 2 होगा, जब x एग्जैक्टली 2 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी,
इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे थोड़ा सा और रीडिफाइन कर लेते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आसान है बट इसमें आपको रीडिफाइन कर करके उसको इजी बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये आ गया 2x-3, तो 2x-3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा तो पॉजिटिव रहता है, x लेस देन 3/2 पे नेगेटिव रहेगा, है ना। तो इसको एक बार फिर से रीडिफाइन कर लेते हैं। तो बेटा इसको फिर से रीडिफाइन कर लिया हमने fx को, देखो और ये बॉक्स के अंदर है, इसको भी रीडिफाइन कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगी तो cos 0, मतलब cos 0 बन गया 1 x = 0 पे। जब x की वैल्यू 0 से 1/2 होगी तो इस cos pi x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, इसलिए इसका जो बॉक्स है वो हो गया 0। ये आप समझ भी सकते हो, देखो यहां पर जब x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में है और आपको क्या चाहिए pi x, है ना, तो pi से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 लेस देन pi x लेस देन इक्वल टू pi by 2। और जब आप इसके ऊपर cos ऑपरेट करोगे तो cos ऑपरेट करने पे क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो cos 0 इज ग्रेटर देन cos pi x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos pi by 2, ये वैल्यू 0 ये 1, तो मतलब 0 से 1 के बीच में आने की वजह से इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में लोगे तो वो -1 से 0 के बीच में आ जाता है cos pi x, तो उसकी बॉक्स वैल्यू -1 हो गई। ये आप बिल्कुल एकदम नीचे की समझ सकते हो, जब x की वैल्यू 1 से 3/2 के बीच में रहेगी तो ये नेगेटिव होने की वजह से माइनस का बाहर निकलेगा, और माइनस पहले से बाहर लगा हुआ था तो प्लस हो गया, 3/2 से 2 में ये 3-2x हो जाएगा और x = 2 पे एक्चुअली 0 है। तो ये जो आपके सामने बना है इसका ग्राफ आप बहुत आसानी से बना सकते हो, और बिना ग्राफ बनाए भी आप इसको इजीली देख सकते हो। देखो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है जबकि राइट हैंड लिमिट 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू जीरो इज ए पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हो गया, यहीं पर लिखते चलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज में सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 आ गया एक, अब देखो 1/2 पे, 1/2 पे LHL और वैल्यू तो 0 है जबकि RHL -1 है, तो 1/2 भी पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होगा। फिर 1 पे LHL -1 है, RHL जो है वो भी -1 है, तो -1 जो है वो पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नहीं है। 3/2 पे LHL और RHL वैल्यू दोनों 0 आ रही है जबकि RHL भी 0 आ रहा है, तो 3/2 भी पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नहीं है। 2 पे LHL जो है वो -1 आएगा जबकि वैल्यू 0 है, तो 0, 1/2 and 2 दी आर द 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो ये इस क्वेश्चन में आपको जो y इक्वल टू fx फंक्शन दिया गया है वो पैरामीट्रिकली फॉर्म में दिया गया है। y इक्वल टू fx बी डिफाइंड पैरामीट्रिकली एज y इक्वल टू t² + t (mod t) एंड x इक्वल टू 2t - mod t, t बिलोंग्स टू r। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले तो हमें इस फंक्शन को y इक्वल टू fx के फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। तो समझते हैं भाई, देखो सबसे पहले हमने t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया क्योंकि t जो है वो बिलोंग्स टू r दिया गया। जब हम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, t² + t² क्योंकि मोर t जो है वो t हो जाएगा, तो y तो आ गया 2t² और x आ जाएगा 2t - t, मतलब t, तो t की जगह x रखेंगे क्योंकि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y और x में रिलेशन क्या आ गया, y इक्वल टू 2x² व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बात, यानी कि y इक्वल टू जो फंक्शन हम ले रहे थे y इक्वल टू fx, वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 2x² है। इफ t लेस देन 0, अगर t आप नेगेटिव ले लो तो मोड t जो है वो -t होगा, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, t² - t², यानी कि y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3t, क्योंकि मोड t माइनस t होगा। जब x लेस देन 0 है, मतलब t लेस देन 0 है, तो x भी लेस देन 0 है, और x लेस देन 0 पे y की वैल्यू क्या आ गई, 0। इफ t लेस देन 0 दिस इंप्लाई दैट x बाय 3 लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के केस में
y इक्वल टू जीरो व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो ये दूसरा रिलेशन आ गया हमारे पास। तो कुल मिला के अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो y यानी कि एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास फंक्शन बना है 2x2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो प्लस और एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस तीनों की वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ग्राफ से समझते थे आप इस बात को, एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो पे आपको ये 2x2 बनाना है और वाई इक्वल टू जीरो यानी कि ये लाइन हो जाएगी पूरी जब एक्स लेस देन जीरो है। तो ये जो ग्राफ है ये आप क्लियर देख सकते हो, ये कहीं बीच में कोई ब्रेक नहीं है। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है y इक्वल टू 2x2। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, पांचों थोड़ा अलग अलग वैरायटी के थे। इसमें कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन वो क्वेश्चन हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को पढ़ने के बाद करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। उसके ऊपर भी चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर्स हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।